चमोली जिले के जोशीमठ से खबर है, जहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से ज्योतिर्मठ के समीप सेगल में शंकराचार्य चिकित्सा सेवालय का भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बता दें कि शंकराचार्य के प्रतिनिधि ब्रह्मचारी मुकुंदानंद के पावन सानिध्य में भूमि पूजन से जुड़े कार्य संपन्न किए गए। वहीं इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने शंकराचार्य की इस पहल की सराहना की और कहा कि शंकराचार्य चिकित्सा सेवालय क्षेत्र की जनता के लिए एक वरदान साबित होगा। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। ज्योतिर्मठ के जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो वर्तमान में ज्योतिर्मठ के आचार्य हैं, ज्योतिर्मठ में आचार्य बनकर के आए तो सबसे पहला उन्होंने ये निश्चय किया कि क्षेत्र के कल्याण के लिए ज्योतिर्मठ की तरफ से एक अस्पताल की सेवा की जाएगी निःशुल्क रूप में। ब्रह्मलीन महाराज ऋषि की इच्छा थी, उनके इच्छा को पूर्ण करने के लिए शंकराचार्य जी महाराज ने ज्योतिर्मठ का जो प्रवेश द्वार है सेलम गांव, उसमें लगभग 80 नाली के करीब जमीन ज्योतिर्मठ की तरफ से गांव के सहयोग से हम लोगों को प्राप्त हुआ है और आज यहां पर हम लोगों ने गुरु पुष्य योग में सुंदर मुहूर्त में गांव के सभी वरिष्ठ जनों ज्योतिर्मठ क्षेत्र के समस्त वरिष्ठ जनों के साथ भूमि पूजन किया है। योगी आचार्य के नेतृत्व में सुबह ही आज हम लोगों ने चंडी भवानी, नव दुर्गा भवानी, भुवनेश्वरी देवी, गढ़ी भवानी, भूमियाल देवता, जो भी परंपरागत तरीका है उस सबका परिपालन करते हुए पूजन आरंभ किया है। और पूजन आरंभ करके हम लोगों की ये इच्छा है कि यहाँ पर हम लोग 100 बिस्तर का एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बनाएं।